सभी लोग खड़े सारी जाति के लोग यहाँ सुन रहे हैं, मेरे पर एक भी किसी किस्म का दाग हो, पैसे का, जात चरित्र का, किसी का झूठ बोलने का, एक आदमी खड़े कर दिया, उसको थाने में फंसा दिया, दूसरा जाया और उसको छटवा लिया, मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, ना करूंगा। यही मैंने वो भाषा हमारे जो है ना बच्चों को सिखाई है कि जिंदगी के अंदर मैंने एक ही उपाय करी है कि सेफ है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी तो मेरे हल्के के लोग हैं, वो भी तो इसी हल्के के लोग हैं, विधायक हो और उसके अंदर हमें ठेस पहुंची है, हमने बात करनी है, तो वो मेरे पे मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने इस बात को जो है ना बार बार ये जिद कर गए कि आप FIR दर्ज कराओ। मैंने उनको ये कहा यदि मैं FIR दर्ज करानी थी तो मैं उसी दिन ही करा देता, फिर भी जो है ना एक दिन बीच के अंदर जाने के बाद तो वो मेरी इस बात से इतने भावुक थे लोग, वो ज़्यादा उत्तेजित हो गए और एकदम खड़े हो गए सारे, हज़ारों की तादाद में जनता थी, और हमने उन्हें कहा कि आप नहीं जो है ना कहते तो हम कराएंगे, इससे हमारे जो है ना वंचित वर्ग के जो लोग हैं वो अपमानित तो हुए, वंचित वर्ग के लोगों की सुरक्षा को खतरा हुआ। उन्होंने पढ़े लिखे भी थे, अच्छे जो है ना समझदार भी थे, तो इसलिए कहा कि हमारा FIR दर्ज कराना पहला फर्ज है। वो फिर SP ही आया था कुदरती, वो SP के पास पेश हुए और मेरे ख्याल का उनके जो कहने के मुताबिक FIR दर्ज हुई है। तो हमने तो बहुत कोशिश करी कि भी गांव के अंदर अमन चैन भी है रहे, वैसे भी मैंने तो बहुत पहले उस गांव के अंदर काफ़ी कुछ जो बंद टूटा वो भी मेरा बनाया था 78 का बंद टूट जाना और वो पानी के बहाव में टूट गया, उसमें MLA का क्या कसूर था, उसकी मेरा तो उसके अंदर कोई हो नहीं। तो इसलिए उनको मैंने ये बात बार बार कही कि आप जो है ना बंद तो टूट गया, मैं आपके बीच में आया हूँ, अगले हम गांव की जान माल की सुरक्षा कैसे करें। उन्होंने सुनी ही नहीं मेरी बात और बार 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 जो है ना मैंने कोशिश करने के बाद भी कि भाई आप हमें ये बताइए चाहते क्या हो आप, तो कुछ शरारती तत्व इकट्ठे हुए और उसका रंग रूप दूसरा दे दिया, और उसके बाद जो है ना उसके अंदर कुछ आदमियों की साजिश भी हुई, वैसा मेरे को महसूस हुआ कि अभी ये मामला जो है ना बाढ़ का नहीं है, बाढ़ का पॉलिटिकल मामला कोई बीच में क्रिएट कर गया। तो कलाक यत्न करने के बाद भी वो औरतों को ले आए, घर से बाहर निकाल कर ले आए, और औरतों ने जो भी काफ़ी बदतमीजी करी, उनकी नैतिकता का ये आधार से गिरी हुई बात थी कि उम्र के हिसाब से भी। और दूसरी बात ये है कि हमने उनको भी कहा कि भाई आप एक बात बताइए, यदि मेरे जो है नहीं यहाँ बैठ जाने से, बंदिश बनाने से, और मेरे को इस तरह देखते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि विधायकों के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाए और DGP से रिपोर्ट तलब की है। कोई शंका नहीं, अखबारों में चीज आ गई, पब्लिश होगी, मैं खुद ही कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, नेशनल कमीशन का, मैं अनुसूचित जाति हरियाणा विधानसभा का भी चेयरमैन अभी तक मैं रहा हूँ 3 साल। अब मामला ये आया कि जो आपने बात कही भी क्या होगा कि अब संज्ञान में आई कमीशन के, उसमें सुमोटो एक्शन हुआ। सुमोटो एक्शन ये होता है कि कोई बात कहीं से बीत जाए, वो पब्लिश हो जाए, उसके ऊपर जो है ना एक्शन ले सकता है, कमीशन को भी पावर है, सरकार को भी। सर ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो विधायक गांव में जाते रहे हैं उनके साथ भी हाँ व्यवहार हुआ है। ये बात आपने बहुत अच्छी, यहीं जाके मैंने पता लगा कि उस गांव की ये रीत बन गई कि जो भी विधायक वहां गया अपमानित तो होकर आया, और उसमें जो है ना हमने तो उनको दिया है, लिया कुछ नहीं आज तक, रिंग बंद बनाया, स्कूल बनाया, आपका उनका पैलेस बनाया जो मैरिज पैलेस जब मैं MP था, ये बंद जो टूटे ये भी मेरे बनाया था, आप उनका वाटर सप्लाई का सबसे पहले उसी गांव के अंदर ये पंप लगाया, बहुत कुछ दिया मैंने, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि भाई ये बात तो पॉलिटिकल है, ये इनका कोई लेना देना नहीं जो है ना क्या बनाया क्या खोया, तो ये बात थी। जिसने काट लिया
उसका कोई इलाज नहीं। कुत्ता जो हाड़ का कुत्ता काट ले उसका इलाज है। तो कुछ आदमी कुर्सी काटे फिरे यहाँ, तुक्का लगे एक बार दो बार बन गए होंगे वो। और वो जो है ना, ये इलेक्शन नज़दीक है, बोले ये चरित्र जो है ना इतने नीचे तक आ गए कि मॉरल ही भूल गए। ये नैतिकता से गिरी बात है। मैं कि चाहता हूँ कि किसी भी विधायक कोई भी हो जाए, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सीनियर आदमी हो, ऐसा घटना नहीं घटे। ये मैं चाहता हूँ भाई, उसका सबक जरूर सीखा जाए।